नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। शिक्षा विभाग की ओर से एक और नई वैकेंसी की सूचना प्रकाशित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों में जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उसमें लिपिक की बहाली के लिए सूचना प्रकाशित की गई है। सूचना जारी की गई है, 6200 पदों पर यह वैकेंसी जारी की जा रही है और ये जो है 12वीं पास वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो जानकारियां आई हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है बिहार सरकारी स्कूल में 6200 लिपिक यानी कि कलर की वैकेंसी जारी की जा रही है, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल जो है 6200 पदों पर ये वैकेंसी है। 20 से 25 हज़ार रुपये तक की आपको सैलरी मिलने वाली है और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है परीक्षा भी ली जाएगी इसमें, जो आपका OMR बेस्ड हो सकता है या CBT ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसकी सूचना बाद में दी जाएगी, अभी फिलहाल परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं आई है। ठीक है, अप्लाई जो है दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में शुरू होगी और ये जनवरी 2025 तक चलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 250 रुपये जनरल के लिए फ़ीस होगा, जनरल EWS OBC के लिए 250 लगेंगे और जनरल EWS OBC फीमेल के लिए 100 रुपये लगेंगे, SC ST PH के लिए 100 रुपये लगेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, 1/1/2025 को आपकी उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल होनी चाहिए। और SC ST को जो छूट मिलती है 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो भी दी जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन जो है आप देख पा रहे होंगे 12वीं पास है, 12वीं पास रखा गया है और ये सूचना जो है आपको अखबारों में भी प्रकाशित की गई है। ठीक है, अखबार वगैरह में भी प्रकाशित की गई है, अखबार वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम पैटर्न वगैरह जानने के लिए आप rozgarbihar.com विजिट कर लें, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, इसको आकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के लिए लिंक एक्टिवेट होगा दिसंबर में, तो मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाऊंगा। चलिए मैं आप अभी अखबार वाला जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बताया गया है। अवसर, हिंदुस्तान ब्यूरो, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिक के पद सृजित किए गए हैं, यानी सृजित भी कर लिया गया है, यानी कि वैकेंसी पक्की आनी है। इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी, विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में भी लिपिक की नियुक्ति पर विचार हो रहा है, यानी हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट स्कूल में भी बहाली होगी, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है। लेकिन जो आपका उत्क्रमित मध्य विद्यालय वगैरह हो गया, ये सब में 6200 पद आने वाले हैं, बहुत जल्द दिसंबर में आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य यह है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि विभाग की भविष्य की योजना तो यह है कि सभी मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाए, ताकि प्रधानाध्यापक और शिक्षक सिर्फ अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके, यानी सिर्फ शिक्षक को जो अभी रजिस्टर मेंटेन वगैरह करते रहते हैं बैठ के, वो सब काम से हटाया जाएगा शिक्षकों को, और लिपिक को, कलर को, ये सब काम दिया जाएगा, बाकी जो टीचर होंगे सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है लिपिक की बहाली की जाएगी। अन्य कार्यों के लिए एक लिपिक हो। गौरतलब हो कि सरकारी विद्यालयों में अरसे से लिपिकों की बहाली नहीं हुई है। पहले के समय में अगर आप देखते होंगे 2004-05 के पहले कुछ लिपिक वगैरह रहते थे, लेकिन अब जो है वो सब सारा रिटायर हो जाने के बाद भी बहाली नहीं हुई, तो अब जो है नई बहाली होगी। इस कारण शिक्षकों को ही अध्यापन के साथ साथ लिपिक के कार्यों की दोहरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है, तो इसी के लिए जो है वैकेंसी जारी की जाएगी। तो 6200 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। अच्छा, इसमें योग्यता जो आप मैंने आपको बताया कि 12वीं पास रखा जाएगा, 12वीं पास के साथ साथ जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री होगी उनको जो है प्राथमिकता मिलने वाली है।
आप लोग को पता ही होगा, विद्यालय हो या कोई भी ऑफिस हो, अब जो है कंप्यूटर का ज़माना है, तो बिना कंप्यूटर के जानकारी के काम नहीं चल सकता है। इसीलिए जो है कंप्यूटर जो जानेंगे उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी डिग्री वगैरह नहीं है कंप्यूटर का, तो ADCA DCA वगैरह कर लीजिए, ताकि जो है फॉर्म निकलने के बाद आप आवेदन कर पाएँ। तो ये थी जानकारी। जहाँ तक रही बात कि तैयारी कैसे करें इसकी, तो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल कंपटीशन वाला ही इसमें आने वाला है, ठीक है। अगर आप बिहार SSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी वही सब सिलेबस इसमें भी रहने वाला है। बाकी समय समय पे मैं आपको सारी जानकारी जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाता रहूँगा, तो यहाँ पे विजिट करते रहें, देखते रहें कब से ऑनलाइन आवेदन होगी। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन होगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।